तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने गत्ता ले लिया है, इस तरीके का गत्ता है ये रहा। और इसको हम चारों कोने इसके थोड़े थोड़े से छोड़ के और इसको हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए ये थोड़ा थोड़ा हमने छोड़ा है और इसको हम छोड़ के यहाँ पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे ऐसे। फिर यहाँ पे लगाएंगे हम एक निशान, बिना नापे तोड़े निशान लगा सकते हैं आप, अंदाजे से थोड़ा सा ऐसे करके एक निशान ये लगा लिया, एक ये लगा लिया, थोड़ा सा ऐसे निशान अंदाजा से देखा ऐसे ही चारों तरफ बराबर आ रहा है वो इस तरीके से। फिर हम उसको एक बार यूं और लगा लेंगे निशान, ये हो गए दो तीन हो गए और ये चौथा निशान है हमारा, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये जो कटर से आपको चलाना है इसके ऊपर ये थोड़ा कम चलाना है जिससे ये पूरी कटिंग ना हो। तो ये देखेंगे आप ऐसे हल्का सा मुड़ा हुआ है और ये इसके साथ ही उलझा हुआ है, तो इस तरीके से ही फिर हम हमारा ये बॉक्स तैयार हो जाएगा। इसको हमने इस तरीके से ऐसे मोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ से कटिंग करनी है ऐसे, ये इसको अंदर लाएंगे और इसको भी ऐसे ही मोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से ये मोड़ना, ये मोड़ के और इसको यहाँ पे लाके हमने ऐसे यहाँ पे टेप लगा देनी है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे करना है इसको, यहाँ पे हमने इसको टेप से चिपका देना, इस तरीके से ये चिपक गया, देख रहे हैं आप। अगर आपको ज़्यादा मजबूत करना है तो आप फेविकोल लगा के भी टेप लगा सकते हो, मैंने तो बिना उसके लगा दिया, ये बिल्कुल सही लग रहा है अभी फिलहाल। फेविकोल भी लगा सकते हैं अगर आपके फेविकोल है तो, फेविकोल भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ऐसे मोड़ दिया और मोड़ के इसको ऐसे करके हमने टेप लगा दिए और ये आराम से रुक जाता है। ये देखिए बॉक्स बनता जा रहा है, फ्रेंड्स ये देखिए हमारा बॉक्स इस तरीके से तैयार हो चुका है। इसके चारों किनारे हमने ऐसे टेप लगा के बंद कर दिया है, तो ये इस तरीके से आपका बॉक्स तैयार हो चुका है। अब इस बॉक्स को हम फिल करेंगे जिससे ये खाली खाली सा ना दिखाई दे। अब इस बॉक्स के अंदर हम थर्माकोल फिल करेंगे जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे हमने ये भर रखा है। ये देखिए ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है, टेप लगा के हमने इसको बिल्कुल फिल कर दिया है ऐसे ही खाली सा। इसको खाली करने भरने के बाद ये इस तरीके से हो गया है। अब ये हमारा बेस बिल्कुल तैयार है, मजबूत है और अब इसके ऊपर हम काम करेंगे। फ्रेंड्स अभी ये बन गया है, तैयार हो चुका है और हम इसके ऊपर आइवरी लगाएंगे, आइवरी शीट इस तरीके से लगाएंगे। और पहले हम थोड़ा सा फेविकोल यहाँ लगा लेंगे हल्का हल्का सा, ठीक है। इस तरीके से फेविकोल हम लगा के और फेविकोल लगा के हम इसको ऐसे रखेंगे और फिर इसके बाद हम इसको पलट देंगे इस तरीके से रखेंगे उल्टा करके और फिर इसको हम यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे जैसे हमने बॉक्स बनाया था ऐसे और ऐसे तरीके से कटिंग करके आप देखेंगे ये कटिंग हो गया इधर से और थोड़ा सा इधर से कटिंग हो गया। अब इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करना है ऐसे करके, हम जैसे कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं इस तरीके से हमने इसको कवर कर देना, ठीक है। थोड़ा फेविकोल लगा के आप टेप से भी चिपका सकते हैं इस तरीके से किनारा, जैसे कि आप ट्रैप पैक करते हैं इस तरीके से आपको ये पैक करना है, इसको टेप से टाइट कर दें। तो देखिए ये बेस हो गया है तैयार, अब हम इसके ऊपर वॉल्केनो का पहाड़ बनाएंगे, ठीक है। पहाड़ बनाने के लिए हमें चाहिए ये थर्माकोल, इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है ये देखिए। और अब हम इसको इस तरीके से लगाएंगे, ये देखिए पहले हमने सबसे पहले सेंटर में एक लगाना है और इसको हम फेविकोल से चिपका लेंगे कुछ, ठीक है। और ये हम इसको सेंटर में चिपका लेंगे, ये चिपक गया देखिए, ठीक है। अब इसके बराबर में हमने इसको पहाड़ की शेप देने के लिए ऐसे चिपकाना है, ठीक है। तो इसको भी हम फेविकोल से चिपका लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए थर्माकोल का, आप ये वेस्ट में से कहीं से भी उठा सकते हैं थर्माकोल, यही हम लगा रहे हैं इसमें। तो इस तरीके से हमने पहाड़ नुमा शेप बनानी है, तो हमने ये थर्माकोल के टुकड़े कटिंग कर रखे हैं जैसे आप देखेंगे ये वाले, तो ये सब हम इसको इस तरीके से लगाएंगे और ये पहाड़ जैसी आकृति दे देंगे इसको, फिर इसके ऊपर हम बाद में काम करेंगे और थोड़ा सा। तो इस तरीके से हमने ये लगाना है ऐसे कर, फिर टेप से हमने थोड़ा सा इसको सेट कर दिया ऐसे, एक बार टेप यूं करके लगा दिया तो पूरा ये आपस में चिपक गया। ये देखो बिल्कुल पहाड़ जैसी आकृति आ गई है इसके ऊपर। यहाँ पे हम एक, अब हम इसके ऊपर एक काम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा करके और इसके ऊपर हम यहाँ पे बॉटल लगाएंगे एक, मैं दिखा देता हूँ वो बॉटल कौन सी। आप लोग थोड़ा सा कटिंग करके गड्ढा कर लिया, बाकी ये और
कलर की बॉटल है, ये हमने ऐसे इसमें फिक्स कर दिया। फ्रेंड्स ये पुराना कपड़ा था हमारे पास, उसको हमने ले लिया है। उसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, ज़्यादा छोटे नहीं, बस सही सही हमने टुकड़े कर लिए जितने निकले हैं उसमें। अब हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे। लगाना कैसे है, आपको फेविकोल को थोड़ा पतला कर लेना है पानी मिला के, और उसमें इस कपड़े को डुबो के, और फिर हम इसको उसके इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये फेविकोल पतला कर लिया हमने इस तरीके से, इसमें हम ये कपड़ा डालेंगे। और ये कपड़ा देखिए इसमें डल चुका है, और ये हम इसमें से इसको निकालेंगे और निचोड़ के। चलो फिर इस तरीके से हमने ये कर लिया, फैला के हमें इसके अंदर इसको पूरा डाल देना है इस तरीके से। देखिए पहाड़ की आकृति पूरी फिट फिट आ गई है, ठीक है। देखिए अब आपको समझ में आने लगेगा कि ये पहाड़ वो बन चुका है। फ्रेंड्स देखिए थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा कहीं कहीं से रह रहा है, तो अब हम इसको पूरा कपड़े से कवर कर देंगे। जैसे एक साइड से तो ये पूरा कवर हो चुका है, मगर बाकी पीछे की साइड से थोड़ा सा बाकी है, तो इसको भी हम ऐसे इस तरीके से छोटे छोटे कपड़े लगा के इसको हम इस तरीके से फेविकोल का कपड़ा भिगो के। और ये देखिए हम इसको जैसे यहाँ से दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, ये जिसमें आपस में अपने आप चिपक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे पीस लेके कपड़े को फेविकोल में डुबो के, और ये इस तरीके से खोलो, यहाँ पर छुपा इस तरीके से कवर हो जाएगा। छोटे छोटे के कपड़े लगा के हम इसकी जो बाकी का हिस्सा है कवर कर देंगे, और फिर से हम धूप में रख देंगे। और धूप में रखने के बाद ये पूरा अपने आप टाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें फेविकोल मिला हुआ, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये पहाड़ की शेप में आ चुका है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अब हम इसको धूप में रखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने पीओपी घोल लिया है, अगर आपको ध्यान रखना है कि आपको नीचे भी इसके कुछ बिछा लेना है, जिस तरीके से मैंने ये गत्ता बिछा रखा है, क्योंकि थोड़ा सा गंदा होगा उधर, तो इसलिए आप देख सकते हैं ये पीओपी मिल गया है, और ये थोड़ा गाढ़ा ही रखना है आपने इस तरीके से जैसे ये है। तो फ्रेंड्स ये देखिए जैसे अब ये है, और इसको हम इस तरीके से ब्रश की मदद से लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। फ्रेंड्स इसे हमें चारों तरफ से लगा के और अच्छी तरीके से पीओपी से कवर कर देना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैं लगा रहा हूँ। तो ये हमने पूरा इसको पीओपी से इसी तरीके से दो कोट में, कम से कम एक कोट ये हम लगा रहे हैं। हल्का सा जब थोड़ा टाइट हो जाएगा, तो फिर हम इसके ऊपर दूसरा ऐसे ही कोट लगाएंगे, तो फिर ये बिल्कुल मजबूत भी हो जाएगा और टाइट भी हो जाएगा और सुंदर भी हो जाएगा। रंग करने लायक इसको थोड़ा सूख जाएगा, तब हम फिर इस पर रंग करेंगे। इस तरीके से ये आपको चारों तरफ से इसको लगा लेना है। आप देखेंगे चारों तरफ से ये मेरा हो गया कवर, सिंगल कोट। सिंगल भी ये ऐसा लग रहा है जैसे डबल कोट हो, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ तीन तीन वोल्केनो हैं, और ये तीनों ही हमने बनाए हैं, क्योंकि हमारे पास इसका ऑर्डर था, और हमने वीडियो में आपको सिर्फ एक ही दिखाया है, मगर इस तरीके से हम इसको तीन में काम कर रहे थे, हम तीनों के साथ एक साथ काम कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं तीनों धूप में रख दिए हमने सूखने के लिए। हम मिलेंगे अब इनको सूखने के बाद पेंट करने पर। आप देख सकते हैं मैं इस पर पेंट कर रहा हूँ, थोड़ा मैंने कर दिया है। तो ये आपको इनेमल पेंट लगाने से पहले थोड़ा सा, या इनेमल लगाएं या पोस्टर लगाएं, या पेंट जो है ये डिस्टम्बर है जो एशियन पेंट का आता है, ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर डिस्टम्बर एशियन पेंट का। आप इसकी जगह इनेमल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहले हमने बेस के लिए लगाया है इस पर, और बेस के लिए इसमें हमने लगाया है, इससे ये ज़्यादा कलर पिएगा नहीं, और ये सुंदर पहाड़ जैसा लुक आ जाएगा, इसमें पत्थर जैसा लुक आ जाएगा। लगभग कवर कर दिया है मैंने, ये मैंने आपको इसमें दिखाया किस तरीके से ये ऐसा आ जाएगा। ये वाइट हो गया है, थोड़ा कवरिंग इस पर पेंट थोड़ा कम लगेगा। अब पहले ये बेस कोट हमने लगा दिया है, ब्लैक
येलो रेड और ब्राउन, इसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल मिला के हम इसको पेंट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ब्लैक लगाएंगे, ठीक है। देखिए अब ब्राउन का लुक आ रहा है, थोड़ा थोड़ा टेक्सचर पत्ते जैसा आने लगा। कहीं कहीं जो व्हाइट लगा उसमें ब्राउन लगाएंगे। ब्राउन का टचअप, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम इस पे डालेंगे येलो कलर का टचअप जो आग जैसा लुक देगा। अब ये येलो कलर हमारे पास आ गया, इसको हम सबसे पहले यहाँ यहाँ लगाएंगे। इस तरीके से हमने इसको लगाना है, जो ये लावे की तरह गिरता हुआ यहाँ से यहीं लगाना है हमने सारा का सारा। ये इस तरीके से हमने लगाना है, इस तरीके से हमने इसको लगाना है। तो ये चारों तरफ नीचे लावे की तरह गिरना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से हमें लगाना है, देख रहे हैं आप, ये ऐसे कर देना है इस तरीके से। इसकी लहरों को जैसे आग निकलती है इसमें से, वो चीज़ हमने दिखानी है। ये देख, कितना सुंदर लुक आ गया। लेना है लाल कलर, लाल रंग भी हमने इसके चारों तरफ ऐसे डालना है।
बोतल लगाई दी हमने इसको। ओके।